नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना, राजघाट पर इकट्ठा हुए दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता। वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में धरना तेज हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना देखने को मिल रहा है। राजघाट पर इकट्ठा हुए हैं दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये विवाद इस बार खींचतान जो है वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को तमाम मुद्दों पर बीजेपी घेरती हुई नजर आई दिल्ली में, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, वायु प्रदूषण का हो, यमुना प्रदूषित होने का मामला हो, या फिर एलजी से टकराव की स्थिति, या फिर घोटाले का मामला। एक के बाद एक मामलों पर लगातार बीजेपी दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। और इसी कड़ी में वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर अभी बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली में खासकर दिल्ली सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का धरना देखने को मिल रहा है। तमाम दिग्गज नेता, दिल्ली बीजेपी प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद हैं राजघाट पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर इकट्ठा हुए दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। वीरेंद्र सचदेवा देखे जा सकते हैं तस्वीर में, तस्वीर में आप देख सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद हैं। एक टैगलाइन आप देखिए, दिल्ली के बुजुर्गों को मत भटकाओ, वृद्धावस्था पेंशन तुरंत लगाओ। ये टैगलाइन, इस टैगलाइन के तहत यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने, दिल्ली बीजेपी ने आवाज उठाई है और इस बार यह आवाज वृद्धावस्था पेंशन को लेकर उठाई गई है। तो यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब टकराव की स्थिति जो बनी हुई है वो और ज्यादा दिल्ली में तेज होती जा रही है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। और इस बार वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को। टोटल टीवी के संवाददाता रिया राय हमारे साथ हैं फोनलाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए से दोनों का रुख करेंगे। रिया, सवाल कई बार खड़े हुए हमने भी देखा दिल्ली की सियासत में। एक बार फिर से बीजेपी, दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन इस बार मुद्दा वृद्धावस्था पेंशन है। क्या कुछ जानकारी है और ये टकराव की स्थिति को लेकर आगे और ज्यादा दिल्ली की सियासत गर्म होती नजर आएगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो अब कहीं ना कहीं पर जो विधानसभा का बिगुल है वो बहुत जल्द बजने वाला है। और इसी बीच में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग आरोपों के साथ सामने आ रहे हैं और जनता के
चमक भी जा रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है या विफलताएं जो हैं उनकी जानकारी जनता के समक्ष में पहुंचाई जा रही है ताकि इस बार जो विधानसभा का परिणाम होगा उसमें एक परिवर्तन देखा जा सके। और इसी वजह से दिल्ली बीजेपी के माध्यम से भी आज वृद्धा पेंशन को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से देख सकते हैं वो किया जा रहा है, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और उसी के साथ में तमाम जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। और इसमें वृद्धा पेंशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पहले ये कहा भी था कि वृद्धा पेंशन को लेकर भी वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से किसी भी प्रकार की नई जो योजना है वो खासकर वृद्धों को लेकर दिखाई नहीं दी। और ऐसे में अगर पेंशन की बात करें तो 2500 रुपए की जो पेंशन मिलती है उसमें जो रकम है उसमें भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी पिछले सालों में नहीं की गई। और इसी के साथ साथ में जो तमाम रिक्तियां खाली हैं यानी कि जो और भी आवेदन दिल्ली में रहने वाले वृद्धों ने किए हैं उन पर भी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी अपने वृद्धों के साथ साथ में है और तमाम जो दिल्ली की जनता है उनके जितने भी मुद्दे या अधिकार है उनके साथ में लगातार खड़ी है। और यही वजह है कि वृद्धा पेंशन को भी एक बड़े मुद्दे के साथ दिल्ली बीजेपी इस समय उठा रही है सौरभ। और उसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि वृद्धा पेंशन को लेकर एक पत्र भी लिखा गया है और अगर पत्र पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी आगे चलकर जवाब नहीं दिया जाता है तो इस तरीके के जो प्रदर्शन और जो आंदोलन है उसको दिल्ली बीजेपी के माध्यम से और तेज किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर दिल्ली में रहने वाले जो वृद्ध लोग हैं उनके अधिकारों को आम आदमी पार्टी क्यों छीनने में लगी हुई है और उनके अधिकारों को क्यों नहीं दे रही है। और एक गंभीर आरोप, क्योंकि शीश महल का मुद्दा सौरभ काफी समय से चल रहा है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं पर तंग कसा जा रहा है कि दिल्ली की जनता का जितना भी अधिकार का पैसा था सब उसमें लगा दिया गया, जिसकी वजह से वृद्धा पेंशन हो या फिर इसके अलावा यमुना की साफ सफाई हो, DTC के बस मार्शल हो, अस्पताल में मिलने वाले मेडिकल उपचार हो, किसी पर भी कोई कार्य आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारे के सारे जो पैसे हैं दिल्ली की जनता का जो अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। तो अब दिल्ली की जनता को जागना होगा और इस भ्रष्टाचार की सरकार को मिटाना होगा। इस तरीके से जो बयान है वो इस समय दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और आप कह सकते हैं कि दिल्ली भाजपा के जो तमाम मंत्री हैं विधायक हैं उन सभी का कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रिया।